नमस्कार दोस्तों, आरके टेक्निकल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसे कि दोस्तों हमारे फ़ोन में हम नेट का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन में, और दोस्तों आपने देखा होगा आपका जो हमें 1.5 GB या 2 GB जितना भी हमारा प्लान है, जो भी डाटा हमें मिलता है दोस्तों आपने देखा होगा हम इतना यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारा डाटा जो है वो कंज्यूम हो जाता है और बाद में हमें मैसेज आ जाता है कि हमारा जो डाटा है वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एक 3 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर लेंगे तो दोस्तों आपका जो मोबाइल का डाटा है वो जल्दी ख़त्म ही नहीं होगा, आप सारा दिन उसका लगातार इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहली ट्रिक है उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमारे फ़ोन में आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, लेकिन दोस्तों कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसे हम कम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं यूट्यूब का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो दोस्तों उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है। जैसे ही दोस्तों आप सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पर ऐप्स वाली सेटिंग में चले जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन को देख लेना है कहाँ पे है। जैसे कि दोस्तों मैं YouTube को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे YouTube पे जाऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप उन्हें जाना है मोबाइल डाटा। जैसे ही दोस्तों आप मोबाइल डाटा पे जाएंगे यहाँ पे दोस्तों आपकी ये वाली सेटिंग जो है वो ऑन हुई होगी। जैसे कि ये देख लीजिए, अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेज। दोस्तों इससे क्या होता है, जब भी हम अपने फ़ोन में अगर YouTube का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारे फ़ोन का डाटा है वो यूज़ करता ही रहता है हमारे फ़ोन में, हमारे फ़ोन का, जिससे क्या होता है दोस्तों हमारा जो डाटा है वो कंज्यूम होता रहता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इन सेटिंग्स को ऑफ़ कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, YouTube आपका जो डाटा है बैकग्राउंड में यूज़ नहीं करेगा। जितने भी दोस्तों आपके ऐप हैं उनमें ये वाली सेटिंग आप अप्लाई कर लें जो ज़्यादा यूज़ करते हैं आप। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो दूसरी ट्रिक है उसके बारे में। उसके लिए दोस्तों आपने सिंपली जाना है प्ले स्टोर में। जैसे ही दोस्तों आप प्ले स्टोर में जाएंगे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपने जाना है सेटिंग्स में। जैसे ही दोस्तों आप सेटिंग्स में जाएंगे आपने जनरल सेटिंग में जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा आएगा ऑटो अपडेट ऐप्स, यहाँ पर दोस्तों ओवर एनी नेटवर्क लिखा होगा, आपने यहाँ पर डोंट अपडेट ऐप पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके जो फ़ोन में जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं जो ऐप्स हैं वो अपने आप अपडेट होने लग जाते हैं, जिससे दोस्तों हमारा जो डाटा है वो ज़्यादा कंज्यूम होने लग जाता है। और दोस्तों जो दूसरी सेटिंग है यहाँ पे ऑटो प्ले वीडियो है, दोस्तों इसे भी यहाँ से आप डोंट ऑटो प्ले वीडियो पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों, हम यूट्यूब पर कई बार वीडियो देख रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और दोस्तों वो वीडियो अपने आप ही चलने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों हमारा जो डाटा है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और दोस्तों जल्दी ही हमारा डाटा ख़त्म हो जाता है। ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपने बैक आ जाना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो थर्ड नंबर की सेटिंग, जिसके लिए दोस्तों आपने सिंपली YouTube पे चले जाना है। जैसे दोस्तों आप YouTube पे जाएंगे, आप कोई भी अगर वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपने यहाँ पे 3 डॉट पे चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप क्वालिटी के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपने देखा होगा ऑटो पे यहाँ पे क्लिक हुआ पड़ा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी एक क्वालिटी सेलेक्ट कर लें जिस क्वालिटी पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे 240 पे देखना पसंद करता हूँ वीडियो। उससे दोस्तों क्या होगा, जब ऑटो पे रहती तो दोस्तों ये अपने हिसाब से ही डाटा कंज्यूम करने लग जाता है, हमारा जो फ़ोन है जो यूट्यूब है वो अपने आप से ही डाटा कंज्यूम करने लग जाता है। अगर दोस्तों इस सेटिंग को आप कर लेंगे अपने फ़ोन में तो ये अपने आप से डाटा कंज्यूम नहीं करेगा। जिस क्वालिटी पर आपने फ़ोटो, जिस क्वालिटी पर दोस्तों आपने वीडियो सेलेक्ट की है उसी क्वालिटी पर वीडियो चलेगी। तो दोस्तों जैसे ही आप इन सेटिंग को अपने फ़ोन में अप्लाई कर लेंगे आप अगले दिन देखेंगे आपका जो डाटा है वो कम यूज़ हो रहा है पहले से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आई होप मैंने जो भी आप सभी लोगों को जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।